हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सकते हैं मेरे स्नेक प्लांट का कलेक्शन है, इनकी समर केयर कैसे करें, आज मैं इस विषय पर बात करूंगी। वैसे मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, जो कि इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो आपने अगर फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आप इसको मार्च के एंड तक दे सकते हैं। वैसे तो इसको फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत होती है, इसको साल में एक या दो बार फर्टिलाइज़ करें तो यह बहुत अच्छे से चलता है। मैंने इसको फर्टिलाइज़र फरवरी में दे दिया था, जिसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। वैसे इसको हम पानी 2 हफ्ते में एक बार देते हैं, लेकिन अब हम हफ्ते में एक बार पानी देंगे, या फिर जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तब पानी देंगे। दूसरी बात, इसकी पत्तियों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। अगर पत्तियां गंदी रहेंगी तो एयर को अच्छे से प्यूरीफायर नहीं कर पाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को किस तरह से मेंटेन करके रखा है, इनकी पत्तियां कितनी साइन कर रही हैं आप देख सकते हैं। इसकी मिट्टी मैं वैसे ही बनाती हूँ, जिसमें एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा मिट्टी, आधा हिस्सा कंपोस्ट और थोड़े से कोयले के टुकड़े। अगर आप प्लास्टिक पॉट में स्नेक प्लांट लगाते हैं तो कोयले की मात्रा ज़्यादा रखें। आप 1 या 2 दिन में इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पॉट में एयर सर्कुलेशन बना रहे और रूट्स को हवा मिलती रहे। ये सिर्फ़ प्लास्टिक पॉट की थी बातें, अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। मेरे सभी स्नेक प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लगभग सभी में न्यू बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये ग्रीन सेंसेवेरिया की ड्राफ्ट वैरायटी है, इसमें आप देख सकते हैं बेबी प्लांट की ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। इसमें भी न्यू बेबी प्लांट निकल रहा है, इसको हमने पानी काफ़ी दिनों से नहीं दिया था, तब इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये अच्छे से चल रहा है। ये ग्रीन सेंसेवेरिया, इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इसमें 3 न्यू बेबी प्लांट निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये दूसरा स्नेक प्लांट, इसको छोटे पार्ट में लगाया था, इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है आप देख सकते हैं। ये छोटे से बड़े पार्ट में अच्छे से ग्रो कर जाता है, इसमें भी न्यू बेबी प्लांट निकल रहा है। इसकी लीफ कितनी ब्राइट और शाइन दिख रही है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और ये दूसरी स्नेक प्लांट की ड्राफ्ट वैरायटी है, इसमें अभी तक कोई न्यू बेबी प्लांट नहीं निकले हैं, लेकिन बहुत जल्द इसमें न्यू बेबी प्लांट निकल आएंगे। और ये मैंने लीफ से स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट किया था, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और ये स्नेक प्लांट मैंने आउटडोर गार्डन में लगाया है, इसमें न्यू बेबी प्लांट निकल चुका है और ये बड़ा भी हो गया है। तो ये था मेरे स्नेक प्लांट का कलेक्शन और समर केयर की कुछ टिप्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।